हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्स आने वाले हैं। हो सकता है यू हैव 30 डेज इन हैंड और 15 डेज इन हैंड, तो किस तरह से इन 15 और 20 डेज का बेस्ट यूज किया जाए, क्योंकि इस टाइम में हमें ये 5 थिंग्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अपने सिलेबस को कैसे खत्म करें। नंबर 2, रिविजन कैसे करें। नंबर 3, फोकस बेटर कैसे करें। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे किल करें। एंड नंबर 5, द राइट वे टू स्टडी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पहली जो हम गलती करते हैं वो है कि हम अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं। मतलब कि अगर हमारे एग्जाम को रह गए हैं 15 डेज और हमारे एग्जाम में आने वाले हैं 15 चैप्टर्स, तो हम क्या करते हैं, हर एक दिन के लिए एक चैप्टर को एलोकेट कर देते हैं। डू यू थिंक कि हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है? डू यू थिंक हर चैप्टर इक्वली डिफिकल्ट है? डू यू थिंक हर चैप्टर एक दिन के अंदर हो सकता है? No. So, इसीलिए we'll make a smart schedule. Now, what is a smart schedule? Smart schedule के अंदर आप सबसे पहले identify करेंगे कि आपको कौन से chapter में कितना time लग सकता है, depending on आपने उसे पहले पढ़ा हुआ है और आपका level of understanding उसके लिए क्या है। तो उसके लिए हमें एक छोटी सी planning करनी होगी, तो उसके लिए we'll make a small table. Okay? So, इस time पे it is important to number 1, identify the task. Identify the task मतलब syllabus में जाइए और देखिए कि exact topics क्या है। Number 2, divide the task into days. Now, days में जब आप task को divide करेंगे using the retrospective timetable, वो कैसे करेंगे? Let's plan. जल्दी से वीडियो को pause करिए, go get yourself a paper and a pencil and जल्दी से हम एक table को ready करते हैं। सबसे पहले first column के अंदर हम लिखेंगे अपना syllabus. For example, हम English का table बना रहे हैं और हम science का table बना रहे हैं। So science के अंदर हम लोग सबसे पहले chapters लिखेंगे जो science के अंदर आने वाले हैं half yearly में। For example, 1, 2, 3, 4, ये 4 chapters आ रहे हैं science के अंदर, तो हम वो लिखेंगे। Moving on to the second column, that is the time you want to allocate to that chapter. Depending on उनकी length कितनी है, depending on आपको वो कितनी अच्छी तरीके से आता है या आपने वो कितनी बार पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चैप्टर को 1 दे रही हूँ, मतलब मैंने उसे पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है, रिवाइज किया हुआ, उसके क्वेश्चन सॉल्व करे हुए, तो अब मुझे सिर्फ एक दिन लगेगा उसे रिवाइज करने में। 2, मैं दूंगी उन चैप्टर्स को जो बहुत डिफिकल्ट है या बहुत लेंथी चैप्टर्स है, मुझे पता है ये एक दिन में खत्म हो ही नहीं सकते, और अगर मैंने इन्हें एक दिन में खत्म किया तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इसके अंदर छोड़ रही हूँ। सो इस तरह से हम अपनी टेबल के अंदर हर चैप्टर को डेज देंगे डिपेंडिंग ऑन कितने डेज हमारे पास बचे हैं। नाउ थर्ड कॉलम के अंदर हम देंगे प्रायोरिटी। नाउ प्रायोरिटी डिपेंड करेगी कि कितने मार्क्स के उसके अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जिस चैप्टर के अंदर से हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं अकॉर्डिंग टू द पास्ट ईयर पेपर्स या आपके पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उन चैप्टर को हम देंगे हाई प्रायोरिटी। मीडियम प्रायोरिटी हम देंगे जिसमें हमें पता है कि बहुत कम मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एंड लो प्रायोरिटी हमें पता है एक या दो मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसको हम एंड में पढ़ेंगे, या हमें पता है ये चैप्टर बहुत आसान है, इसको अगर हम एंड में भी पिक करेंगे तो ये जल्दी फिनिश ऑफ हो जाएगा। राइट? नाउ इस तरह से हमने सबसे पहले एलोकेट कर दिया। नाउ दिस विल टेल अस कि हमें सबसे पहले कौन सा चैप्टर पिक करना है, अगर हम कोई चैप्टर पिक करेंगे तो उसको हमें कितना टाइम देना है। इसे हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं सेट करेंगे और अपने गोल को एवरी डे फुलफिल आराम से कर सकते हैं। नाउ एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया, आप सेकंड टेबल जो बनेगी वो होगी हमारा वीकली प्लानर। नाउ वीकली प्लानर इज अ प्लानर जो हम बनाते हैं हर वीक के अंदर अपने गोल को टारगेट करते हुए, जहां पे मंडे टू फ्राइडे अगर आप 2 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि सैटरडे यू डू द रिविजन एंड संडे यू क्लियर द बैकलॉग। नाउ व्हाट इज बैकलॉग इज आपने जो भी प्लान किया था और आप वो नहीं कर पाए हैं, तो संडे को आप रखें सिर्फ उस चीज के लिए कि उन चीजों को कंप्लीट करेंगे, एंड सैटरडे शुड बी सोली फॉर रिविजन एंड टेस्टिंग योरसेल्फ। नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें लगता है कि हम टेस्ट कहां से करें अपने आप को। जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम इतनी बार सॉल्व कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि हमें वो रट गए हैं और हमें लगता है देयर इज एन इल्यूजन, हम उस कॉन्सेप्ट को जानते हैं और हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट दैट यू बाय अ गुड क्वालिटी ऑफ सैंपल पेपर फ्रॉम द मार्केट एंड स्टार्ट सॉल्विंग दैट। ऐसा करने से आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा, आपको ये पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं उस टॉपिक के अंदर और कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको अभी आपको और अच्छे से रिवाइज करना होगा। सो लेट मी रेकमेंड यू अ वेरी गुड पास्ट ईयर सैंपल पेपर। इसके अंदर आपको 33 सॉल्व प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर मिल जाएंगे फ्रॉम 2015 टू 2024। इसमें आपको सारे पेपर्स जो हैं वो मॉडिफाइड है एज पर लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस, सीबीएसई बेस्ड सैंपल्स क्वेश्चन पेपर्स फुली सॉल्व मिल जाएंगे आपको। एंड ऑल्सो अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको 5 एक्स्ट्रा सॉल्व सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे थ्रू QR कोड। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज वेरी यूजफुल बुक्स फ्रॉम शिवदास books. Now, what I really like about these books are ki iske andar bahut in depth mein cheeze hain and also they have modified it according to latest syllabus of CBSE. You can get it for different classes. And the good news is ki ye sari books aapko mil sakti hai almost 50% discount pe for the next 2 days. Amazon run kar raha hai great freedom sale for 8th and 9th of August and aap use avail kar sakte hain and you can get these books for
half the price. So I'll leave the link in the description box. Make sure that you check out the link and go to Amazon and buy your copy. Now moving ahead, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी टाइम टेबल बनाते हैं वो फॉलो नहीं कर सकते हैं, मतलब आप एवरी आवर का टाइम टेबल बना रहे हैं जो आप बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाते हैं, सो प्लीज डोंट मेक सच टाइम टेबल्स. इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस टाइम पे बनाए थिंग्स टू डू. ओके, आप अपने पूरे दिन के अंदर सिर्फ 2-3 टास्क लिखेंगे जो आपको अकम्प्लिश करने हैं. अकम्प्लिश करने के साथ साथ आपको उनको इतना स्पेसिफिकली लिखना है दैट यू वॉन्ट टू अकम्प्लिश दिस टास्क ऑन दिस डे एंड देन यू साइन एट द एंड ऑफ द डे. ये आपसे आपकी अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है पेपर, जिसके अंदर You are accountable every single day कि क्या आपने ये टास्क किया, yes or no. इससे you would know कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और किस किस दिन आपने टास्क को कंप्लीट नहीं किया. Moving ahead, how to kill distractions. So अगर आप चाहते हैं कि आप फोकस बेटर कर पाए और आप डिस्ट्रैक्टेड कम हो, सो ट्राई दिस न्यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हैक कॉल्ड स्टडी बडीज. यू कैन पिक वन ऑफ योर फ्रेंड जिसके और आपके स्टडी गोल्स, अकेडमिक गोल्स मैच करते हैं. सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज एवरी डे यू कैन गिव ईच अदर सम गोल्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल आज हमें चैप्टर 2 ऑफ फिजिक्स को कंप्लीट करना है अलॉन्ग विद द चैप्टर्स एंड द क्वेश्चंस एंड द सैंपल पेपर्स एंड इवनिंग में वी विल कनेक्ट एट 6 PM एंड वी विल चेक. अब इसे होगा क्या? ए, आपको पता है कि आप अकाउंटेबल हो, सो यू विल स्टडी. नंबर सेकंड, कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आया है, 6 o'clock यू कैन डिस्कस दैट टॉपिक. नंबर थर्ड, आप एक एक टॉपिक को इकट्ठे रिवाइज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टॉपिक I will tell you the summary. Second topic, you will tell me the summary. Third topic, I will tell you the summary. Then, आप मुझे कोई भी question पूछो, मैं आपसे कोई भी question पूछ सकती हूँ. Quiz, test. जब हम किसी को accountable हैं, पहला तो हमें पढ़ाई करने में मजा आता है क्योंकि वो challenge दिया होता है. Number second, कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही, so you can discuss it. Now, moving on to the fifth point, and that is how to focus better. जब आप कोई भी चीज पढ़ने बैठते हैं, तो आपको specific goal set करना बहुत important है. मतलब, आज मैं 5 PM to 6 PM के बीच में sample papers को solve करूंगी. या आज मैं 5 PM to 6 PM तक ये वीडियोस देखूंगी और उसके अंदर से नोट्स बनाऊंगी. नाउ अब ऐसा जब भी आप करेंगे तो एक पेपर पे या चैप्टर जहां पर है आपका उसके स्टार्टिंग में ऑन द लेफ्ट साइड आप एक छोटी सी टेबल बनाएंगे. ये टेबल इसलिए होगी क्योंकि ये अगेन आपको अकाउंटेबल बनाएगी और आपको ये पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहां आई. Right? So I call this productivity table. Now, what you need to do is, for example, आपको लिखना है, आज आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं शाम को 6 बजे, तो 6 बजे आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं सोशल स्टडीज के. तो सोशल स्टडीज के आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, तो आप अपने आपको कितना टाइम दे रहे हैं, आप अपने आपको टाइम कर रहे हैं इसके थ्रू, जिससे कि आपकी स्पीड भी बेटर होगी. सो सेकंड कॉलम के अंदर आएगा 60 मिनट्स. नंबर थर्ड कॉलम के अंदर आप अपने आपको स्कोर देंगे कि जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा तो आप अपने आपको कितना स्कोर देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10. मतलब आज मैंने जो पढ़ाई करी, मैंने ये सैंपल पेपर सॉल्व करे, मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया, बट मैंने गलतियां बहुत ज्यादा करी, तो मैंने अपने आपको 7 स्कोर दिया और मैंने आगे रिमार्क लिख दिया, मेड लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स. ओके, सेकंड चैप्टर जब मैं पढ़ रही थी तो उसके अंदर मैंने क्या किया, मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी, बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी मुझे क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया था. तो सेकंड चैप्टर के अंदर आपने लिखा हुआ है कि द कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर एंड विच कॉन्सेप्ट आपने ब्रैकेट में डाला हुआ है. सो नेक्स्ट टाइम जब आप रिविजन के अंदर आएंगे और इसको पिक करेंगे, यू वुड एग्जैक्टली नो कि इस चैप्टर के अंदर मुझे कौन सा टॉपिक कितना समझ आया और कितना नहीं समझ आया. दिस प्रोडक्टिविटी टूल विल चेंज योर स्टडी गेम ऑल टुगेदर. इसको ट्राई करके देखना एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि क्या ये आपके लिए वर्क करा या नहीं. ये टूल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. विद दिस आई टेक योर लीव एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सुपर ड्यूपर प्रोडक्टिव. बाय बाय. सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस.